The fresh casualty of the firing from across the border has been Ramgarh sector in Jammu, which faced heavy mortar shelling and fire. People having suffered losses are now forced to run for cover. Ex-Minister Manjeet Singh says that Pakistan has no sense and they are needlessly increasing the attacks on India. He says unarmed innocent civilians are bearing the brunt. The dead in the attack has been identified as Ravinder Kaur, and with the wedding season on, the locals feel jittery. आज 6:25 के करीब पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू हो गई और बड़े मॉर्टर के गोले जो हैं जिसका रेंज उन्होंने बढ़ाया है और पिछले गांव में जो है वो अटैक हुआ है और उससे जेरड़ा गांव की एक बच्ची रविंदर कौर डॉटर ऑफ जोरावर सिंह जो 20 साल के करीब थी जो सुबह अपनी रसोई में चाय बनाने के लिए गई तो रसोई के ऊपर ही जो है मॉर्टर शेल पड़ा तो वो मौके पे ही जान बाँक हो गई और इस तरीके से और भी गांव में जो है वो लोग जख्मी हुए हैं और लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। लोगों के घरों में शेल पड़े हैं तो लोग चूंकि इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है और किसान की फसल पकी हुई है तो बहुत बुरी हालत है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अकल नहीं आ रही और वो निहत्ते लोगों पर जो है वो गोलियां चला रहा है और हमारा नुकसान कर रहा है। हमारे गांव में शादी थी, लोग शादी के लिए बारात जाने के लिए तैयार हो रहे थे और इतनी देर दो बम हमारे गांव में गांव के जो बीच घर है उसके घर में आकर पड़े। इसमें कोई नुकसान भी हुआ है कुछ बता रहे हैं? नुकसान हुआ, गैली टूट गई है, घर के बीच स्प्लेंडर पड़े हैं तो एक दूसरे घर में बम पड़ा है उसकी गैली टूट गई है और टैंकी के बीच लगी है, टैंकी ब्रस्ट हो गई है और लोगों ने अंदर बढ़कर अपनी जान बचाई है और अभी भी फायरिंग रुक रुक कर हो रही है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी तक अपने घर में अंदर बड़े हुए हैं अपने बचाव के लिए।